हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? थैंक यू शीतल। हाय तेजस। हाय हेलो। हाय हर्षा, प्रेमनाथ, हेलो, गुड इवनिंग हाय सर। सृष्टि, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तेजस, गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग श्रीकांत। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। अभी और भी हमारे मेंबर आना बाकी है। हेलो शिवराज, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो पार्ट बचा है वो कल मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला था ब्लॉगिंग और वेबसाइट डिजाइन को लेकर। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि आप अपनी वेबसाइट का डोमेन कहाँ से परचेज कर सकते हैं, और आपका जो डोमेन है उसको चलाने के लिए आपको लगेगी होस्टिंग। हमने कल देखा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग में किस तरह के से कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग में कौन सी स्ट्रैटेजी हमें लगानी पड़ती है, कंटेंट किस तरह का होता है, किस टाइप का कंटेंट कौन सी साइट पे पोस्ट किया जाता है, लिंक्डइन पर किस तरह का कंटेंट चलता है, फेसबुक पर किस तरह का कंटेंट चलता है, उसी तरह से ट्विटर पर किस तरह का कंटेंट चलता है, और ब्लॉगिंग में हम आपको थोड़ी सी जानकारी हमने दिया था ब्लॉगिंग क्या होता है, और उसी तरह से वेबसाइट डिजाइन के लिए कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, वर्डप्रेस का टूल यूज किया जाता है वेबसाइट डिजाइन के लिए। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि आप ब्लॉग कैसे बना सकते हो ब्लॉग, और उसी तरह से ब्लॉग बनाने के साथ साथ आपको ब्लॉग बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक फ्री तरीका है एक पेड तरीका है। तो फ्री तरीका क्या है और पेड तरीका क्या है, वो दोनों अभी हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, माय नेम इज अमोल। तो चलिए 1 मिनट और वेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट इट एबल टू ज्वाइन इट। आपके कोई पहचान के दोस्त भाई होंगे तो उनको भी जल्दी बोल दो ज्वाइन करने के लिए।
हम स्टार्ट करते हैं। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा केयरफुली सुनिए, क्योंकि कैसा है हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग में, और हर एक चीज जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप कुछ चीजें मिस कर जाते हो तो आपको कुछ टर्म्स जो है हम आगे यूज करने वाले हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो भी टर्म्स मैं यूज करता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत से लोग फर्स्ट टाइम में सुन रहे होंगे, तो उस टर्म्स को उन टर्म्स को दोबारा एक्सप्लेन करना इस 5 डेज के मास्टर क्लास में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 डेज में हम आपको पूरी तरह से ओवरव्यू देना चाहते हैं हर एक चीज का, हर एक चीज को आप किस तरह से जानोगे और किस तरह से ये चीजें वर्क करती है। एटलीस्ट आप इसके बारे में सर्च करो, एटलीस्ट आपको पता चले कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें डिजिटल मार्केटिंग में यूज होती है और किस तरह से हमें करना होता है। अगर हमें अगर आपके बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि मैं खुद की वेबसाइट बनाऊं, लेकिन बनाऊं तो कैसे बनाऊं, उनको हमेशा लगता है बहुत लोगों को कि वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है, बिना कोडिंग के भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो वो तरीका अगर आपको पता चल जाए बिना कोडिंग से वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं तो ये कितना अच्छा है आपके लिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? किसको किसको वेबसाइट बनाना है प्लीज, अगर आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनाना है तो मी टाइप कीजिए, मी ME। टाइप ME। पंकज को बनाना है, ओके गुड। और किसी को बनाना है अपनी वेबसाइट? तेजस को, शीतल को बनाना है, गुड। वैभव को बनाना है अपनी खुद की वेबसाइट। वेबसाइट क्यों बनाते हैं हम? वेबसाइट ये हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस को दर्शाता है। वेबसाइट में अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको मैं एक नीच सिलेक्ट करता हूँ, नीच यानी ऐसा कैटेगरी जो मुझे अच्छी तरीके से आता है, और जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छे से आती है, मेरा ग्रामर काफी अच्छा है, तो मैं ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं लोगों को ग्रामर के रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो पढ़ाऊ। उसके लिए वो बाद में डिस्कस करेंगे तेजस, ठीक है? उसके लिए हमारा अलग स्टाफ काम करता है। सो मान लीजिए हमें जो वेबसाइट बनानी है वो वेबसाइट हमें बनानी है इंग्लिश स्पीकिंग की, यानी इंग्लिश का ग्रामर हमें अच्छी तरीके से आता है और हमारे ग्रामर का नॉलेज हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। तो उसके लिए हम दो तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं और पेड तरीके से भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो किसको किसको फ्री तरीका जानना है और किसको किसको पेड तरीका जानना है? जो लोग जितना ज्यादा वोट करोगे, जिनको फ्री जानना है वो फ्री टाइप करेंगे, जिनको पेड जानना है वो पेड टाइप करेंगे। ओके, तेजस को बोथ जानना है, हाँ दोनों भी बताएंगे, गुड गुड गुड, ठीक है। दोस्तों फ्री वेबसाइट बनाने के लिए गूगल का ही प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, और गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप अच्छे तरीके से वेबसाइट बना के उसको मोनेटाइज करते हो तो आप वहां से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। तो रेवेन्यू जनरेट करने का ये जो मॉडल है वो तो ठीक है, वो बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्री में अगर आपकी खुद की वेबसाइट बनाना है तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। बस उसमें आपको अगर अपना खुद का कस्टमाइज डोमेन लगाना है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर तेजस पाटिल है, राइट,
तो तेजस को अगर अपना खुद का डोमेन लगाना है tejaspatil.com, तो अगर उनको ये डोमेन लगाना है फ्री वाले ब्लॉग में, तो उनको ये tejaspatil.com नाम का जो डोमेन है ये परचेज करना पड़ेगा। या ओके patil.com। सो ये आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फ्री में डोमेन बनाना है तो आपका जो कस्टमाइज डोमेन जो है वो इस तरह से नहीं आएगा, वो आएगा, वो किस तरह से आता है चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी जो ब्लॉगर की जो साइट है फ्री वाली, उसके ऊपर। ये एक साइट है दोस्तों, blogger.com। ये साइट के बारे में कितने लोगों को पता है? प्लीज टाइप यस अगर आपको पहले से पता था, प्लीज टाइप नो अगर आपको नहीं पता था। ओके अमित को पता था, ओके गुड, ठीक है। तो ब्लॉगर ये जो प्लेटफॉर्म है ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो अपनी खुद की वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हो। उसके लिए आपको ब्लॉगर में आना है। ब्लॉगर में आने के बाद आपको आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होना करना पड़ता है ब्लॉगर पे। तो ब्लॉगर पे अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आपको आना है, मैं ब्लॉगर के ब्लॉगर अभी मैं यहाँ पर जो blogger.com है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो हमें ब्लॉगर पर आना है, तो ब्लॉगर पे आने से पहले हमें ब्लॉगर पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट है, इसलिए आपको ये जो चीज है ये दिखाई दे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, स्विच कर लेता हूँ। तो यूरोपियन यूनियन लॉज रिक्वायर्स टू गिव परमिशन, यहाँ पे कुछ परमिशन देनी है शायद। ठीक है, हम एक अभी मैं आप एक ब्लॉग बना लेता हूँ पाटिल नाम का। एड्रेस रहेगा मेरा patil.blogspot.com। ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ से ये भी अवेलेबल नहीं है। हमें जो भी यूनिक नाम है वो अवेलेबल है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। जैसे ये हेल्थ टिप्स ऑनलाइन, ये भी अवेलेबल नहीं है। हेल्थ टिप्स फॉर एल्डर, ये अवेलेबल है क्या? ये भी ब्लॉगस्पॉट नेम अवेलेबल नहीं है।
हेल्थ FUNDA हेल्थ फंडा, सॉरी दिस ये भी अवेलेबल नहीं, तो हमें यहाँ पे यूनिक नेम ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं फिलहाल के लिए ये ऐसा कुछ ब्लॉग हमें अवेलेबल मिल गया, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। डिस्प्ले नेम में हम डाल देते हैं यहाँ पे ब्लॉग के लिए, हमें जो भी यूजर आएंगे उनको हमारा नेम क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे हमें नेम जो है एडमिन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। So, यहाँ पे हमने एंटर कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट ब्लॉग में आना है हमें। जैसे हमने ये एक ब्लॉग क्रिएट किया, यहाँ पे अभी ब्लॉग क्रिएट करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे थीम डालना है, क्योंकि हमारा ब्लॉग जो है वो कैसा दिखेगा उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थीम आती है। जैसे ये कोई थीम है, अगर हमें वेबसाइट बनाना है अपनी तो हमें थीम यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे थीम है, कोई किसी को अगर इंटीरियर डिजाइन की साइट बनाना है, किसी को मेकअप के रिलेटेड अगर साइट बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेकअप के रिलेटेड ये थीम अवेलेबल है। उसी तरह से किसी को फूड के रिलेटेड बनाना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे फूड के रिलेटेड थीम्स अवेलेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स जो है यहाँ से आपको उस उनमें से कोई एक थीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं ये टेस्टी ट्रीट्स की थीम जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। सो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है ये थीम। अभी यहाँ पे हमें पोस्ट क्रिएट करना होता है। यहाँ पे पहले हमें थीम में कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, कस्टमाइज करना है, कुछ करना है, तो आप यहाँ से इसका HTML भी एडिट कर सकते हो। HTML एडिट करने का जो तरीका है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज आना बहुत जरूरी है। सो प्रोग्रामिंग का नॉलेज आपको थोड़ा सा आना जरूरी है। तो यहां से हम थीम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी हमने जो साइट बनाई थी वो पाटिल नाम की, वो किस तरह से दिखती है हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हमने व्यू ब्लॉक किया तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें फोटोज वीडियोज कुछ तो ऐड करना पड़ेगा तभी हम कुछ देख पाएंगे। तो इसके लिए हम आते हैं हमारे बेसिक पेज पे, बेसिक पेज पे मतलब हमारे ब्लॉगर पे, और यहाँ पे हम पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में आने के बाद हमें यहाँ पर पोस्ट ऐड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे हम न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं एक। अभी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, हमारा जो ब्लॉग है वो थोड़ा
खाने के रिलेटेड है तो मैं यहाँ दे देता हूँ खाना खजाना, ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गूगल से कोई एक इमेज जो है मैं उठा लेता हूँ, जो कोई भी इमेज जैसे बिरयानी से रिलेटेड हो शायद। ये इमेज मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। सेव इमेज, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या करना है, लेकिन आपको ऐसे कोई इमेज उठा के नहीं डालना है क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। आपको जो भी चीजें करना है वो पूरी तरह से आपको खुद को डिजाइन करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें आपको कस्टमाइज करते आनी चाहिए, डिजाइन भी आपको प्रॉपर तरीके से करते आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अपलोड फोटो सेक्शन में अभी फिलहाल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज फाइल, और यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर हमने ये फोटो डाल दी। सिलेक्ट, अभी हमारी ये जो इमेज है यहाँ पे आ गई है, तो हमें अभी बिरयानी के बारे में जानकारी भी लगेगी। बिरयानी कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी अगर हमें डालना है, तो चिकन बिरयानी की जो पोस्ट होती है, मैं अभी जस्ट कंटेंट उठा के आपको डाल रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अपने खुद कंटेंट लिखने का भी एक तरीका होता है। हमने कंटेंट मार्केटिंग में आपको बताया कि कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, कंटेंट में आपके शब्द होने चाहिए ना कि किसी और के। आपको कंटेंट लिखते समय आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, भले ही जो चीजें हैं बिरयानी में डालने वाले, जो भी चीजें हम यूज करने वाले हैं वो चेंज नहीं होने वाले। आप मिर्ची को मिर्ची ही बोलने वाले, लेकिन तरीका आपका होना चाहिए लिखने का। यहाँ पे क्या हमारा पोस्ट हो गया है? ठीक है, यहां से मैं पब्लिश कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर हम अभी हमारे पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखते हैं हमें हमारी पोस्ट दिखाई देती है क्या। पब्लिश हुआ नहीं है शायद। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमने जो पेज क्रिएट किया है वो यहाँ पे कैसे दिखेगा। ये देखिए, खाना खजाना नाम से हमने पेज बनाया था, और यहाँ पे कुछ कंटेंट हमने ऐड किया है, ये कंटेंट भी आ गया, और यहाँ पे इमेज जो है हमारी, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा पेज कॉपी हो गया वो, इसलिए ऐसा कुछ अजीब सा दिख रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटेंट कॉपी होते समय कंटेंट नहीं कॉपी हुआ, वो पूरा जो वेबसाइट का जो पेज था वो पूरी तरह से यहाँ पे कॉपी हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले क्या करता हूँ, मैं जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी किया था यहाँ से इसको वर्ड में डाल देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये कंटेंट जो है ये पूरी साइट को कॉपी कर रहा है।
यहाँ पे मैंने डाल दिया कुछ कंटेंट। यहाँ से हम डाल देंगे एक हमारी इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चूज फाइल। यहाँ पे बहुत सारे टूल है जो आप इस इमेज में जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हो उसमें आप बहुत से चेंजेस कर सकते हो। आप अपने कंटेंट को बोल्ड कर सकते हो, हेडिंग लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी, यहाँ पे आप HTML कोड चेंज कर सकते हो, उसी तरह से आप यहाँ पे अंडू और रिडू कर सकते हो, यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, आपको जो भी फॉन्ट आपको चेंज करना है यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसका स्टाइल चेंज करना है। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो गया। उसी तरह से आपको अगर पैराग्राफ बनाना है तो पैराग्राफ भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से कंटेंट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमें हेडिंग सब हेडिंग अगर देना है, कुछ भी देना है, हेडिंग वन, हेडिंग टू, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारी चीजें कर सकते हैं। कंटेंट को अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। उसी तरह से कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ पे हमें कंटेंट को कलर की फैसिलिटी है। तो यहाँ पे आप बहुत ही कलरफुल तरीके से आपका जो ब्लॉग है वो डिजाइन कर सकते हो। आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक कलरफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको हाइपरलिंक देना है, कोई साइट का अगर लिंक आपको जोड़ना है तो ये हाइपरलिंक आपको यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो। अभी हमने इमेज आपको ऐड करके दिखाया यहाँ पे। उसी तरह से आप कोई वीडियो भी लगा सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, इमेज इमोजीज लगा सकते हो। उसी तरह से ये जो कंटेंट है इसको हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड, सेंटर जस्टिफाइड, ये इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी है। और इसको अगर मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी इस पेज को अपडेट कर दिया, तो अभी हम देखेंगे इसका प्रीव्यू किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। अभी हम पेज लोड होने में काफी समय ले रहा है। अभी हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, हमने जो पेज बनाया है वो किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा पेज जो है इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, आप अपना हेडिंग लगा सकते हो, एक अच्छे से आर्टिकल लिखा के आप कोई भी, आप हो सकता है आप अगर स्टूडेंट हो, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपको अगर कोई पेपर प्रेजेंटेशन करना है तो आप अपनी एक फ्री की वेबसाइट बना के यहाँ पे बना सकते हो। तो ये चीज मैंने जो बताई आपको ब्लॉगर पे अकाउंट बनाना, और ये इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, हमें 20-30 मिनट लग गए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, प्लीज टाइप यस अगर आपको समझ में आ गई है। सो ये फ्री तरीका है, इसके फ्री के लिमिटेशंस। अगर इस ये जो वेबसाइट है, ब्लॉगर पे जो वेबसाइट बनती है, ये आप इसको एड लगा सकते हो, इसमें एड लगाकर आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा। ये इसमें क्या होता है, जो भी रेवेन्यू गूगल की तरफ से मिलता है, 45% जो रेवेन्यू होता है गूगल रख लेता है, और 55% रेवेन्यू जो है वो आपके अकाउंट में आता है, आपके गूगल के एडसेंस अकाउंट में आता है। गूगल एडसेंस के बारे में पता है आप लोगों को, कितने लोगों को पता है गूगल एडसेंस के बारे में? प्लीज टाइप यस अगर गूगल एडसेंस के बारे में आपको पता है। ओके, नाम सुना है। ओके, गूगल एडसेंस, ये गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो, और या आप अपना खुद का एक वेबसाइट बना रहे हो, अगर उसके ऊपर गूगल
आपके YouTube चैनल के ऊपर या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर अगर एडवर्टाइज दिखाता है, तो गूगल एडसेंस का अकाउंट अगर आपने बनाया है और आपने गूगल का जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया है, तो उसकी वजह से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको चीज बताता हूँ, मेरा खुद का गूगल का एडसेंस का अकाउंट है, मैंने रेवेन्यू कैसे जनरेट किया है गूगल एडसेंस के थ्रू, मैं भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे तरीके हैं अनगिनत पैसे कमाने के, आप चाहे तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो, आप चाहे तो किसी और के लिए भी वर्क कर सकते हो। अगर किसी और के लिए वर्क करना है तो आप अपनी जो भी आप चीजें सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग में वो सर्विसेस आप किसी और को दे सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि खुद का कुछ करना है, आपको खुद का यूट्यूब चैनल चलाना है, खुद का आपको अगर खुद का अगर आपको इंस्टाग्राम हैंडल चलाना है, तो वहां से बहुत सारे अनगिनत तरीके से आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो। आप अपने खुद के बिजनेस को प्रमोट करके आप चीजें जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये गूगल एडसेंस का मेरा अकाउंट है और गूगल एडसेंस के अकाउंट में अभी फिलहाल में हमारी कोई भी साइट्स जो है यहाँ पे रनिंग नहीं है, क्योंकि मैं अभी साइट्स पे फिलहाल में काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल था, उससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होता था, लेकिन उसके ऊपर मैंने अभी फिलहाल में अपने वर्क को स्टॉप कर दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो $89 जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये $89 अभी मेरे अकाउंट में है, पेंडिंग है। ये अगर जैसे ही ये $100 हो जाएंगे ना, तो ये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, मेरे बैंक अकाउंट को मैंने यहाँ पे लिंक करके रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको मेरा जो रेवेन्यू है वो दिखाऊंगा अभी। मुझे गूगल एडसेंस की तरफ से पेमेंट भी हुआ है, इससे पहले भी पेमेंट आए हैं मुझे, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर वर्क थोड़ा कम कर दिया है या करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। तो यहाँ पे पेमेंट इंफो में ये देख पा रहे हो आप, ये अभी तक मेरा जो पेमेंट है वो $89 यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। जैसे ही ये पेमेंट रेशो $100 के ऊपर चला जाएगा, तो मुझे $100 का पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 अगस्त को मेरे अकाउंट में अभी $89 है। अगर मैं व्यू ट्रांजेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पुराने ट्रांजेक्शन भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लाइफ टाइम का अगर 1 मिनट ऑल टाइम का मैं अगर यहाँ पर आपको मेरा रेशियो बताता हूँ, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल से टोटल कितनी बार पे आउट उठाया है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे $89, जब तक ये $100 होता नहीं तब तक पेमेंट पे आउट नहीं आता। जैसे जितने भी बार आपको 100 के ऊपर नंबर दिखेंगे, मतलब उतनी बार मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। जैसे जुलाई 2022 में मुझे $110 पेमेंट रिसीव हुआ था, और मुझे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ से प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैं अभी अपने यूट्यूब अकाउंट से ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर YouTube स्टूडियो में आता हूं मैं, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ हमारी जो लाइफ टाइम की रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था यूट्यूब से।
यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये वीडियो का एनालिटिक्स है, कोई भी वीडियो के ऊपर आपको कितने रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सारी चीजें आप देख पाते हो यहाँ। तो यहाँ पे मैं आपको हमारा लाइफ टाइम का रेवेन्यू एक बार शो करता हूं। मैंने ये काफी समय से अभी इसके ऊपर वर्क नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर डॉलर में देखा जाए तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास मैं कमा चुका हूँ यहाँ से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे $1716 जो है मैंने अभी कमाया है अभी तक। इस तरह से भी अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से, लेकिन ये तरीका अलग है थोड़ा सा। इसके बारे में भी हम हमारे जो जो हमारा जो कंप्लीट कोर्स होता है उसके बारे में हम सिखा सकते हैं, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको ये देख के कैसा लगा? कुछ इंस्पायरिंग लगा, अच्छा लगा? प्लीज टाइप यस अगर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा मैंने जो अभी आपको बताया। यहाँ से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, यहाँ से हमने अगर वीडियो बनाया है या कोई भी पोस्ट डाली है तो यहाँ से हम एनालिटिक्स देख सकते हैं हमारी पोस्ट का रीच कितना हुआ। देखिए मेरे चैनल पर अभी तक कितने व्यूज आया है, 2.7 मिलियन व्यूज आया है। वॉच टाइम कितना हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर जो है करीब करीब 18,000 सब्सक्राइबर है इस चैनल के ऊपर। यह हर कोई कर सकता है, बस जरूरत है एक प्रॉपर नॉलेज की। ये हो गया फ्री तरीका। अभी हम बात करेंगे पेड तरीका किस तरह से होता है। पेड तरीका के में आप एक तो आप गोडैडी का यूज कर सकते हो। पेड तरीके में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पहले तो अपना एक होस्ट ये लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन खरीदने के लिए आपके पास चाहे तो आप गोडैडी के ऊपर जा सकते हो, चाहे तो आप होस्टिंगर के ऊपर जा सकते हो। हमारा अकाउंट जो है वो होस्टिंगर के ऊपर है। होस्टिंगर के ऊपर जाके आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन खरीदने के बाद आपको उस डोमेन को रखने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो स्पेस आपको खरीदना पड़ेगा। स्पेस खरीदने के लिए भी यहाँ पर आपको अलग अलग ऑफर मिलते हैं। जैसे देखिए अगर आपको वेब होस्टिंग खरीदना है तो यहाँ पे ₹149, यहाँ पे आपको ये प्राइस दिखाई दे रही है लेकिन अंदर जाने के बाद थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है। अगर आप खुद के वेबसाइट का अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कम से कम 4 से 5 हजार रुपए खर्चा करने का तैयारी रखना पड़ता है। मतलब 1000 से 1200 रुपए खुद का डोमेन के लिए, और 1 साल की जो होस्टिंग है वो सस्ते में भी आ जाती है, वैसे 1000-1200 में भी आ जाती है। अगर मिनिमम ट्रैफिक के ऊपर काम करना है तो उस केस में ₹2000 में हम अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, और वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के बाद आप वहां से अपना पोस्ट आप अपना वेबसाइट चला सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो। कंटेंट राइट करने के बाद आपको ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी नॉलेज आप ले रहे हो उसमें आप अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने आपको बताया कि वेबसाइट परचेज करना है। अगर आपको वेबसाइट परचेज करना है तो आप यहाँ पे डोमेन में आके यहाँ पे डोमेन चेक कर सकते हो कि कौन सा डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ये होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी डोमेन अगर आपको खरीदना है, मान लीजिए वेबसाइट, वेबसाइट में आने के बाद अभी मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है। चलो मैं पहले खरीदने का बता देता हूँ आपको। आपको जैसे अभी गोडैडी पे मैं आ गया, गोडैडी के ऊपर आने के बाद हमको अगर वेबसाइट खरीदना है, क्रिएट योर फ्री वेबसाइट लिखा है यहाँ, फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डोमेन तो खरीदना पड़ेगा। डोमेन में अगर मैं सर्च करता हूँ BUTU ब्यूटी पार्लर है, इस नाम से मैं कोई वेबसाइट का डोमेन सर्च करता हूँ,
क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ द समथिंग। ओके सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्यूटी पार्लर hack.com ये डोमेन अवेलेबल है और ये हमें 499 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। अगर मान लीजिए आपने 499 का डोमेन खरीद लिया, अब आपको इस डोमेन को रखने के लिए क्या लगेगा, आपको लगेगी होस्टिंग। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के डोमेन होते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर डॉट कॉम की जो प्राइस है वो 499 रुपीज है, डॉट इन की जो प्राइस है वो थोड़ी सस्ती है, यहाँ पे आप देख सक पा रहे हो 49 रुपीज दिखाई दे रहा है फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 ईयर टर्म, अगर ये 49 में दिखाई दे रहा है। वैसे ब्यूटी पार्लर डॉट को डॉट इन अगर खरीदना है आपको तो 39 रुपीज दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग प्राइस होती है, अलग अलग प्राइस पे आप ये डोमेन खरीद सकते हो। एक बार आपने डोमेन खरीद लिया फिर आपको जरूरत पड़ेगी होस्टिंग की, तो होस्टिंग के भी हम सस्ते से सस्ते प्लान जो है यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे होस्टिंग के ऊपर आना है, होस्टिंग के ऊपर आपको आके वेब होस्टिंग अगर खरीदना है आपको, सो यहाँ पे प्लान के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सी प्लान्स। प्लान एंड प्राइसिंग में आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेब होस्टिंग स्टार्टर अगर आपको खरीदना है, मैं अगर बाय नाउ के ऊपर तो 119 रुपए पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रही है। इसका अगर मैं 12 मंथ का कैलकुलेट करता हूँ तो विथ GST ये 1500-1600 रुपए तक चला जाएगा आराम से। तो इस तरह से आपको 1500 से 2000 रुपए का एक स्टार्टर प्लान लेके आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पे आप जब वेबसाइट होस्टिंग परचेस करोगे तो होस्टिंग परचेस करने के बाद आपको वर्डप्रेस में आपको वेबसाइट बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत ज्ञान जो है होना चाहिए। तो वर्डप्रेस का ज्ञान अगर है आपके पास तो मैं आपको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बताता हूँ। ये जो है एक वेबसाइट है, ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अभी डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। पहले मैं इसका आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं कि ये दिखती कैसी है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। सो ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे नागपुर की वेबसाइट है, अभी ये एक्चुअल में वेबसाइट जो है अगरबत्ती की है, लेकिन यहाँ पे हमें अभी चेंजेस करने हैं। अभी हमने जो थीम यहाँ पे डाली हुई है ये फूड फूड की थीम है यहाँ पे, तो ये थीम को हमें चेंजेस करना है, इमेजेस को कस्टमाइज करना है, सारी चीजों को। यहाँ पे ये जो इमेज डाली है ये भी प्रॉपर तरीके से लगी नहीं है। सो ये जो वेबसाइट है ये विदाउट कोडिंग बनी, इसमें कोई कोड नहीं करना पड़ा हमको। कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है वेबसाइट? प्लीज टाइप यस अगर आइए आपको सैंपल जो वेबसाइट है ये विदाउट कोडिंग वाली वेबसाइट है, ये दिखने में कैसी लग रही है थीम आपको? इसमें बहुत काम बाकी है, अभी किया कुछ भी नहीं है। ये जो एनिमेशन वगैरह है ये भी आप कर सकते हो, बस आपको तरीका सीखना पड़ेगा। तरीका सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ से हम अभी लॉगिन कर लेते हैं इसके बैकएंड में, जो डैशबोर्ड जो होता है वो किस तरह से दिखता है, हम बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। लॉगिन कर लेता हूँ मैं पहले। One second.
अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो वो किस तरह से की जाती है। मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। ये बहुत सारे वेबसाइट है इसलिए मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट का याद रखना इतना आसान नहीं होता है। अगेन तो ये है हमारा डैशबोर्ड। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है अभी हमारी जो थीम है वो वूकॉमर्स थीम है। यहाँ पे हमें अगर कुछ चेंज करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें एक्चुअल में यहाँ पे एड्रेस अपडेटेड नहीं है, यहाँ पे नागपुर का एड्रेस हमें डालना था, वो एड्रेस मैं अभी डाल के दिखाता हूँ आपको। यहां पर आप देख सकते हो जितने भी पेज हमने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे एलिमेंटर के थ्रू हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आता हूँ तो पहले हमें थीम ऑप्शंस में एलिमेंटर को देख लेना पड़ेगा। एलिमेंटर यहाँ पे मैं थीम कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो एड्रेस है वो हमें चेंज करना है। नेट काफी स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी ये है फुटर, यहाँ पे हमें एड्रेस को चेंज करना। फुटर में एड्रेस हमें ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे लिखा है वो देखना पड़ेगा। कस्टम स्टाइल सोशल मीडिया मेनू विजेट होम पेज सेटिंग ऊपर उसका लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हम को चेंज कर पाएंगे। कौन से पेज पे है एड्रेस लेटेस्ट न्यूज में नहीं होगा, शायद माय अकाउंट में होगा। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में तो कुछ नहीं है। एलिमेंटर 9 में क्या है देख लेते हैं। आपको एलिमेंटर का टूल सीखना होता है अगर आपको कुछ भी अगर थीम के अंदर चेंजेस करना है तो आपको एलिमेंटर का टूल आना चाहिए। एलिमेंटर के टूल से आने के बाद आप एलिमेंटर से जो ये जो डिजाइन देख रहे हो आप यहाँ पे साइट पे, ये बहुत सारे डिजाइन जो है ये इमेज लगाना ये सारी चीजें
इमेज को ड्रैग करना, ड्रॉप करना, ये सारी चीजें आप एलिमेंटर के थ्रू कर सकते हो। एलिमेंटर का प्रो और फ्री वर्जन दोनों अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा सेक्शन एक्सेसिबल है मैं देख लेता हूँ अभी। एड्रेस का सेक्शन अवेलेबल है क्या? हाँ यस अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां से हम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं आपको बाद में इसके बारे में पूरा डिटेल दे दूंगा, क्योंकि ये जो है ये थीम जो है ये वूकॉमर्स की थीम है, तो इसमें थोड़ा सा हमें रिसर्च करना पड़ेगा तभी हम इसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें कंटेंट ढूंढना पड़ता है। जहां पे भी आप चेंजेस करने जा रहे हो वहां पे आपको कंटेंट ढूंढना पड़ता है, कंटेंट ढूंढ के आप प्रॉपर तरीके से चेंजेस कर सकते हो। सो कंटेंट ढूंढने में थोड़ा समय लगता है हमें, ये हो गया पेड तरीका। जैसे आप ये कंपनी जो देख रहे हो इसके लिए अब हम ये जो साइट बनाएंगे, आप इसको विजिट करते रहोगे तो जैसे जैसे इसके ऊपर काम होगा तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह से ये साइट का जो लुक है वो चेंज होने वाला है। तो ये पेड तरीका है, क्योंकि ये हम किसी बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो इनके लिए हमने कुछ चार्ज भी किया है। अभी हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, जो हमारा मुद्दा था आज का, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी अभी दे देता हूँ। थोड़ा फास्ट बताऊंगा मैं आपको जो चीजें हम ऑलरेडी भी थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं। अभी हम जानने वाले हैं सर्च इंजिन मार्केटिंग के बारे में। सर्च इंजिन मार्केटिंग क्या होती है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है, एसईओ का वर्ड? प्लीज टाइप यस अगर आपने एसईओ वर्ड सुना है तो। हेमंत ने सुना है, भावना ने सुना है, गुड। सो एसईओ का वर्ड आपने सुना है, ओके गुड। SEO में क्या है, SEO में हम जानेंगे व्हाट इज SEO। SEO एक तरह की टेक्निक है जिससे हम हमारे वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। अगर आपको पेड तरीका नहीं चाहिए, आपको सारी चीजें जो फ्री में करनी है, अभी मान लीजिए मैंने अपना खुद का ब्लॉग बना लिया और मेरे को गूगल एडसेंस से अर्निंग करना है, तो अर्निंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, अर्निंग करने के लिए मैं पोस्ट लिखूंगा, पोस्ट लिखने के बाद मेरी इच्छा क्या रहेगी, मेरी ख्वाहिश क्या रहेगी कि जब भी मैं गूगल पे जाता हूँ तो गूगल पे मेरी वेबसाइट जो है, जो मेरा प्रोडक्ट की जो साइट है वो नंबर वन पे दिखनी चाहिए। वो नंबर वन पे कब दिखेगी, जब मैं एसईओ करूंगा। वो एसईओ भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अभी मैं अगर मैं यहां पर सर्च करता हूं बेस्ट फेस वॉश फॉर मेन, सॉरी फेस का स्पेलिंग गलत हो गया, फेस वॉश फॉर मेन, मैं यहां पे सर्च कर लिया मैंने, तो यहाँ पे हमें एक साइट दिखाई दे outlookindia.com। तो ये बंदे ने क्या किया है, 23 फेस वॉशेस के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। अब इन्होंने जो जानकारी दी है 23 फेस वॉशेस के बारे में, ये बेस्ट, मैंने बेस्ट फेस वॉश फॉर मेन सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर के बारे में, स्पॉन्सर मतलब क्या है, ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। ये पेड एडवर्टाइजमेंट तो गूगल जो दिखा रहा है,
वो वहां पे जिन्होंने भी पैसे खर्चा किया है उनको वो पेड एडवर्टाइज दिखा रहा है। लेकिन ये जो आपको दिख रही है outlookindia.com, ये क्या है? ये फ्री तरीके से आई। ओके सॉरी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। वन सेकंड वन सेकंड। अभी शो रही हो रही है? प्लीज टाइप यस अगर शो हो रही है तो। ओके थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने क्या सर्च किया, देखिए, बेस्ट फेस वॉश फॉर मेन, ये मैंने सर्च किया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के रिजल्ट हमें दिखते हैं। एक होता है जो पेड तरीका होता है उसके रिजल्ट हमें गूगल शो करता है, और एक तरीका होता है जो हमें फ्री का तरीका जो दिखता है। तो यहाँ पे आपको जो स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है ये पेड तरीका है और ये फ्री का तरीका है। तो आउटलुक इंडिया, अभी मैंने क्या सर्च किया, मैंने बेस्ट फेस वॉश फॉर मेन सर्च किया। तो ये जो आउटलुक इंडिया की जो वेबसाइट है ये किसी पर्सन की वेबसाइट होगी, उसने क्या किया है इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल जो है रैंक किया है। तो इसके लिए, ये आर्टिकल को रैंक करने के लिए इसने क्या किया है, इसने इसका एसईओ किया। यही वेबसाइट क्यों आई, क्यों? क्योंकि इसने ऐसा कुछ इस कंटेंट के अंदर लिखा होगा जो बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको प्रॉपर तरीके से लिख कर, उस कंटेंट को प्रॉपर तरीके से लिख कर उसने लोगों को दिया होगा, और लोगों ने उसके ऊपर काफी शेयर्स किए होंगे, काफी कमेंट किए होंगे, काफी लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया होगा। इस वजह से गूगल को क्या लग रहा है कि इस पोस्ट की जो अथॉरिटी है वो बहुत अच्छी है, यानी इसके इस पोस्ट में जितने भी चीजें इस वेबसाइट के ओनर ने लिखी है वो ट्रस्ट करने लायक है, ट्रस्टेबल है, इसीलिए गूगल ने क्या किया इसको फर्स्ट रैंक। तो हमें इंफॉर्मेशन जो भी हम लिख रहे हैं वो कंटेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। जो भी चीजें हम लिख रहे हैं वो अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिजल्ट में कितनी लाख वेबसाइट है। ये जो अबाउट गूगल ने क्या किया, गूगल ने कितने कितने सारे रिजल्ट खोज के निकाले हमारे लिए, 0.54 सेकंड में यहाँ पे आप देख सकते हो 47 करोड़ रिजल्ट गूगल ने हमको शो करके दिखाया है यहाँ पे। और 47 करोड़ में जो वेबसाइट यहाँ पे वन नंबर पे आप पाई है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इन्होंने जो कंटेंट बनाया होगा, जो लिखा होगा, वो इतना अच्छी तरीके से लिखा होगा कि मैक्सिमम 70-80% लोग जो ये कैटेगरी जो सर्च कर रहे हैं उनका ये आर्टिकल पढ़ने के बाद वो काफी खुश हो गए होंगे, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली होगी वो बहुत अच्छे तरीके से मिली होगी। तो इसकी जो अथॉरिटी है, इस आर्टिकल की जो अथॉरिटी है वो गूगल के नजरों में और बढ़ गई है। तो गूगल नेक्स्ट टाइम जो भी ये कीवर्ड सर्च करता है, बेस्ट फेस वॉश फॉर मेन, ये कीवर्ड सर्च करने के बाद इस वेबसाइट को पहले या दूसरे पायदान पर ला गूगल खुद लेकर आता है। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी कंटेंट लिखना है, प्रॉपर तरीके से कंटेंट को सजाना है, इमेजेस प्रॉपर तरीके से लिखना है, कीवर्ड प्रॉपर डालना है। तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है क्या है, बेस्ट फेस वॉशेस फॉर मेन इन 2023, ये कीवर्ड उसने लिखा, ये मेन कीवर्ड है। तो ये सेम कीवर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे आर्टिकल में यही सेम कीवर्ड आप कितनी बार ढूंढ पा रहे हो, देखिए, बेस्ट फेस वॉशेस फॉर मेन इन 2023 एक एक बार लिखा है। यही सेम चीज आपको नीचे में भी कहीं ना कहीं दिखेगी, एटलीस्ट उसका शॉर्ट कीवर्ड तो भी दिखेगा बेस्ट, आप अगर सर्च करोगे तो। ये देखिए यहाँ पे बेस्ट फेस वॉश 23, बेस्ट फेस वॉश, ये देखिए फॉर मेन 2023, ये एक ही कीवर्ड जो है। तो कीवर्ड को हमने क्या किया, बार बार लिखा, 3 से 4 बार लिखा, और गूगल को बताया 3 से 4 बार लिख के कि हमारी जो एक्चुअल पोस्ट है वो किस बारे में। इस तरीके से हमें कीवर्ड जो है प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। तो ये होता है एसईओ। हम
ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, ऑफ एसईओ कैसे करते हैं और एसईओ क्या होता है, इसके बारे में हम कल के सेशन में डिटेल में जानेंगे। सो आज का जो सेशन था वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज टाइप यस। अगर कुछ कमी रह गई हो तो अपने क्वेरीज टाइप कर लो, मैं नोट डाउन करके आपको कल इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। प्लीज टाइप यस अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, अदरवाइज यू कैन टाइप योर क्वेरीज। थैंक यू अमित, थैंक यू हेमांगी। आपको कोशिश करना होगा, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। सो अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। कल हम जानेंगे एसईओ के बारे में, एसईओ में भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप जो कल का जो हमारा जो टॉपिक था वो बच गया था, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं 5 दिनों के सेशन में। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है, क्योंकि हमारी जो ये जो स्लाइड है ये कम से कम 18 पेजेस की स्लाइड थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी, लेकिन कुछ टॉपिक जो होते हैं वो काफी लेंदी होते हैं, उनको यहाँ पे कवर करना इतना आसान नहीं होता। सो मैं आपको कल के सेशन में मिलता हूँ इसी समय में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you all of you. Thank you for joining.